हाउ आर यू ऑल, आई होप यू आर वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, माय एंड आलिया लव स्टोरी का प्रीवियस एपिसोड का लास्ट सीन कुछ यूं था कि आलिया अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकती और अमाया को माथे पे किस कर लेती है और अमाया भी अपनी आईज क्लोज कर लेती है। तो जब आलिया देखती है कि अमाया ने अपनी आँखें बंद कर ली हैं, तो अपने लिप्स अमाया की लिप्स के करीब ले जाती है और किस करने ही वाली होती है कि पीछे से आवाज़ आती है कि अमाया बेटा गीज़र चला दो, पानी बहुत ठंडा है। तो ये सुन के आलिया हड़बड़ा जाती है और पीछे हट जाती है। तो इतनी देर में अमाया भी अपनी आंखें खोल लेती है और आलिया की तरफ देखती है और कहती है वो गीज़र में गीज़र चला के आती हूँ। तो हड़बड़ा के वहाँ से चली जाती है। तो जो आलिया होती है उसे खुद पे गुस्सा आ रहा होता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मतलब मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि अमाया के दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है, वो मुझे पसंद करती भी है या नहीं। दूसरी तरफ जो अमाया होती है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है कि उसकी आईज क्लोज्ड होती हैं, उसे ये नहीं पता होता है कि आलिया से लिप किस करने वाली है। बट वही माथे पे जो उसने किस करा होता है उसे लेके बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रही होती है। तो अपने दिल पे हाथ रख के कहती है मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ क्यों, अगर मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ होती रही तो मैं बहुत जल्द मेरे ऊपर का टिकट कट जाएगा, ऐसे कह रही होती है, बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। कहती ओह मैं यहाँ क्या करने आती, हाँ गीज़र में तो यहाँ गीज़र ऑन करने आई थी। तो फिर गीज़र ऑन करती है, वापस किचन में जाने लगती है, बाहर ना रुक जाती है, किचन के बाहर जाके खुद को सेट करने लग जाती है कि मतलब बहुत ज़्यादा उसे पसीना से आ रहे होते हैं तो खुद कैसे सेट कर रही होती है। और अंदर आलिया खुद पे गुस्सा हो रही होती है कि यार आलिया तू कितनी बड़ी इडियट है, यू आर सच अ स्टूपिड, तो ऐसे कैसे कर सकती हूँ, तुम्हें तो इस बेवकूफ़ी के लिए ना ऑस्कर मिलना चाहिए, ऐसे खुद को चिल्ला रही होती है खुद पे। तो अमाया आ जाती है, कहती किसको ऑस्कर मिलना चाहिए, तो कहती ऑस्कर, कहती हाँ भी तुम्हें तो कह रही थी ऑस्कर मिलना चाहिए। तो आलिया बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। तो कहती ऑस्कर हाँ तुम्हें ऑस्कर मिलना चाहिए, हाँ मैं यही तो कह रही थी कि तुम्हें ऑस्कर मिलना चाहिए। तो माया कहती मुझे, लेकिन मुझे किस बात का ऑस्कर मिलना चाहिए। कहती कुकिंग, हाँ कुकिंग, तुम कितना अच्छा कुकिंग करती हो, कुकिंग पे तुम्हें ऑस्कर मिलना चाहिए। तो कहती अच्छा ये तुम मेरी तारीफ़ कर रही हो, या अच्छा कहीं तुम मुझे तंसो नहीं कर रही हो बेटा, तुम तो अपने हाथ के बनाए खाना खिला रहे हो, वैसे तुम मुझे टोन कर रही हो। कहती नहीं यार मैं तो सच में तारीफ कर रही थी, मतलब तुम इतनी ज़्यादा अच्छी कुकिंग करती हो, इतनी ज़्यादा अच्छी कुकिंग करती हो कि मैं तो तुम्हारी फ़ैन हो गई। तो मैं कहती अच्छा अच्छा बहुत बात हो गई, चलो तुम यहाँ क्या करो, चलो रूम में जाओ रेस्ट करो। तो कहती यार क्या मतलब रूम में जाओ रेस्ट करो, तुमने टाइम देखा कितना लेट हो गया, चलो मैं तुम्हारा ना ब्रेकफास्ट बनाने में हेल्प करती हूँ, कॉलेज भी तो जाना है। तो अमाया कहती कहाँ कॉलेज, कौन जा रहा है कॉलेज, कोई कॉलेज नहीं जा रहा, तुमने समझ आ रही है, तुम चलो रूम में जाओ रेस्ट करो, आज हम दोनों ऑफ कर रहे हैं कॉलेज से। कहती क्या तुम पागल हो, मतलब हम क्यों ऑफ करेंगे कॉलेज से, हम कॉलेज जाएंगे, चलो हटो मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। कहती तुम्हें पता ना तुम्हारी तबीयत ख़राब है, मैं बुलाऊँ फिर पापा को, अच्छी खासी तुम्हें डांट लगाएंगे, फिर तुम्हें समझ आएगा, समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूँ, चलो रूम में जाओ रेस्ट करो, कोई कॉलेज नहीं जाना आज। तो आलिया कहती अच्छा ठीक है मैं मानती हूँ मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, मैंने कॉलेज नहीं जाना, बट तुम क्यों कॉलेज से ऑफ करोगे, तुम तो कॉलेज जाओ यार, तुम अपना क्यों नुकसान कर रही हो। कहती क्या मतलब, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ पे अकेला घर पे छोड़ के कॉलेज चली जाऊँगी, नहीं जी मैं कहीं नहीं जा रही, हम दोनों आज घर हैं, तो चलो शाबाश रूम में जाओ रेस्ट करो। तो आलिया कहती अच्छा ना अब कॉलेज नहीं जाना, तो मतलब यार क्या मसला है ना, मैं ठीक है मैं नहीं जा रही कॉलेज, तुम तो जाओ ना, तुम क्यों अपना नुकसान करने पे आई हुई हो, पहले तो मैं भी ठीक हूँ यार, मुझे भी कॉलेज जाना है, मैं बोर हो जाऊँगी, नहीं मुझे भी कॉलेज जाना है, मुझे कॉलेज जाना है, ऐसे जिद कर दिया। तो हमारा कहती है अच्छा जी मुझे पता है तुम्हारे लिए कॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा कॉलेज को ऑफ ना हो इसी वजह से तुम अपने मॉम डैड के साथ भी नहीं गई अपने मामू के घर, पता है कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे कॉलेज। ये सुन के आलिया कहती तुम्हें किसने कहा कि मेरा कॉलेज से मतलब छुट्टी ना हो, मैं इसलिए नहीं गई मामू के घर, कोई और रीज़न भी तो हो सकती है ना मेरे न जाने की। कहती हाँ इसके अलावा तो एक ही रीज़न बनती है। आलिया कहती क्या, कहती वो ये कि तुम मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, तुम्हें मैं मेरी बहुत याद आती, तुम मुझे बहुत ज़्यादा मिस करती जाने के बाद, इसलिए तुम नहीं गई, तुम्हें मेरे साथ और टाइम स्पेंड करना था, यही रीज़न है ना। तो आलिया मतलब घबरा जाती है दिल में, कहती इसे कैसे पता चला कि मैं इसकी वजह से नहीं गई। तो फिर हमारा ज़ोर से हंसी, कहती बस बस मुझे पता है ऐसी कोई रीज़न नहीं है, तो मुझे पता है तुम्हें अपनी स्टडी से कितना प्यार है, कोई तुम्हारे ग्रेड कम नहीं हो जाएंगे, एक दो छुट्टी हो जाएगी तो चलो जाओ तुम रेस्ट करो। माँ कहती शुक्र है इसको पता नहीं चला, मैं तो डरी गई थी ऐसे क्या क्या हंस रही होती। कहती अच्छा मतलब तुम ये समझ रही थी। तो माँ कहती हाँ मैंने और क्या समझना था, चलो तुम रेस्ट करो। तो आलिया कहती यार मैं ऊपर रूम में बोर हो जाऊँगी ना अकेली, तुम भी तो यहाँ हो, मुझे थोड़ी तुम्हारी हेल्प करनी है, तो फिर इकट्ठे ऊपर चले जाएंगे। कहती कोई तुम मेरी हेल्प नहीं करी, चलो बैठो, नहीं जाना ऊपर यहीं पर बैठ जाओ चेयर पर। तो कहती अच्छा ना बैठ रही हूँ,
कि तुम ये गुस्सा ना किया करो हर बात पे। तो चेयर पे बैठ जाती है। तो मैं कहती यार यहाँ पे कितनी सर्दी है, तुम ऊपर रूम में क्यों नहीं जाके बैठती हो? कहती तुमने मुझे रेस्ट करने का बोला था, मैं रेस्ट कर रही हूँ ना यहाँ पे, अब चुप काम करो जल्दी से अपना ख़त्म करो। तो मैं कहती अच्छा ना, चुप करके बैठे रहो, रेस्ट करो, बोलना भी नहीं होता रेस्ट के टाइम। कहती अच्छा ना कर रही हूँ, रेस्ट करो तुम अपना काम। तो फिर हम माया अपना काम करने लग जाती है। तो वैसे पीछे मुड़ के आलिया की तरफ देखते हैं तो उसे सर्दी लग रही होती है। तो फिर आलिया के पास आती है और अपना ओवरकोट उतार के आलिया को दे देती है, कहती चलो ये पहन लो ये। तो आलिया कहती नहीं तुम पहनो ये। मैं कहती तुम्हें कह नहीं रही पहनो ये। तो कहती मैं क्यों पहनूँ तुम्हारा, कहती तुम्हें सर्दी लग रही है ना चुपचाप पहन लो, यहाँ बैठना है ना तो पहनो। कहती अच्छा ना पहन रही हूँ खड़ूस कहीं की। तो आलिया कह के उसका ओवरकोट ले लेती है और पहन लेती है। तो फिर आलिया जब उसको सही से देखती है ना, मतलब उसके ऊपर कोट उतरने के बाद, तो देखती है कि उसने शॉर्ट्स पहने होते हैं, तो उसकी तो आँखें खुली की खुली रह जाती है। तो ना माया तो मतलब ओवर कोट देख के चली जाती है वहाँ से, मतलब बर्तन धोने लग जाती है। तो आलिया पीछे से उसे देख रही होती है, उसको कंट्रोल नहीं होता, मतलब दिल में कहती है यार यार ये लड़की कितनी सेक्सी लग रही है, मतलब दिल में वैसे कह रही थी, तो उसका कंट्रोल ही नहीं होता। तो चेयर से उठती है और ना मतलब माया बर्तन धो रही होती है तो पीछे से ना जाके उसके कमर में हाथ डाल लेती है और उसके बालों को स्मेल करने लग जाती है, मतलब फुल मतलब रोमांटिक सीन होता है। तो माया कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो ये कह के ना माया ना टर्न करती है, अभी तुम्हें तो रेस्ट करना था ना। फिर आलिया उसकी लिप्स पे अपने हाथ रखती है और कहती बस तुम हो ना मेरा रेस्ट। तो माया जो होती है वो बहुत शर्माने लग जाती है। तो आलिया फिर मतलब उसकी चीक्स पे किस करती है ज़ोर से, फिर उसकी नोज़ पे किस करती है। तो माया जो होती है घबरा जाती है, वहाँ से जाने लगती है। तो आलिया फिर उसका हाथ पकड़ के उसको खींचती है ज़ोर से, और मतलब ऐसे खींचती है कि माया आलिया के गले लग जाती है। यही सीन चल रहा होता है कि ना माया मतलब आलिया के सामने आके चुटकी बजाती है कि कहाँ कहाँ घूमो यू। तो फिर आलिया से होश में आती है, कहती हाँ ये सब ख्वाब था, काश सच होता। तो माया कहती क्या ख्वाब था क्या सच होता क्या बात करी हो? तो आलिया कहती यार तुम्हें क्या मसला है, तुम मुझे तो 3 मिनट बाद नहीं मतलब मुझे होश में ला सकी, तो मैं पता है मैं कितना अच्छा ख्वाब देख रही थी। तो माया कहती ऐसा भी कौन सा ख्वाब देख रही थी तो जो तुम्हें रियलिटी से भी दूर रखा हुआ था उसने, मतलब हमारे फेस पे इतनी बड़ी वाली स्माइल थी, मुझे बताओ ना किसकी यादों में गुम थी तुम? तो आली कहती तुम्हारी। तो माया कहती हैं मेरी? आली कहती नहीं मेरा कहना होता वैसे कि तुम्हें क्या मसला है मैं किसी की भी यादों में गुमूँ, और वैसे भी तुम खुद को इतना खुशकिस्मत ना समझो कि तुम मेरे ख्वाबों में आओगी, ठीक है ना? बहुत सारे लोग हैं मेरे ख्वाबों में आने के लिए, तुम ये सोचना भी मत कि तुम मेरे ख्वाबों में आओगी। ऐसे कह के ना माया को ना तंग कर रही होती है। तो मैं कहती हाँ हाँ वैसे भी कौन मरा जा रहा है तुम्हारे ख्वाबों में आने के लिए, मुझे भी कोई शौक नहीं है, तुम तो ऐसे प्रिटेंड कर रही हो जैसे मैं मर रही हूँ तुम्हारे ख्वाबों में आने के लिए, तुम्हें पता कितने लोग मर रहे हैं मेरे ख्वाबों में आने के लिए। आली कहती बस 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 ज़्यादा ना लंबी लंबी ना छोड़ो तुम। तो क्या कि ना आलिया ज़ोर से हंसने लग जाती है। मैं कहती अगर कसम से अगर तुम बीमार ना होती ना तो तुम देखती मैं तुम्हारा क्या हशर करती, मैं तुम्हें इतना मारती कि तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता। तो आलिया कहती यार कल मैं हुई तो थी, तुम्हें अभी भी खुशी नहीं हुई, मतलब अभी तुम मुझे और दोबारा करना चाहती हो? मैं कहती बस ना बहुत हो गया जा रही हूँ मैं। तो आलिया कहती कहाँ जा रही हो? तो मैं कहती जन्नू में आने। आलिया कहती यार ना चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए जन्नू में भी जा सकती हूँ खुश। माया कहती हाँ हाँ बस बस ज़्यादा मक्खन ना लगाओ, उसी के साथ जाना है जन्नू में जिसके तुम ख्वाब देख रही थी। तो आलिया कहती मतलब तुम्हारे साथ ही जाऊँ, शुक्र है तुमने इजाज़त दे दी। तो माया मुड़ के देखती कहती कुछ कहा तुमने? आलिया कहती नहीं मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली, मैं कह रही थी कि बहुत ठंडा है तुम कुछ पहन लो, मैं वैसे भी पूरी नंगी फिर रही हो तुम। तो माया कहती खबरदार अगर फिर से तुमने मेरे कपड़ों के बारे में कुछ कहा ना, मुझे अभी भी वो दिन याद है जब तुमने मेरे कपड़े चेंज करवाए थे, अब मैं सारा दिन ही नहीं कपड़ों में फिरूंगी और तुम एक लफ्ज़ निकालना सही थोड़ी ज़बान काट दूंगी अगर तुमने अब मेरे कपड़ों के बारे में कुछ बोला। तो आलिया से हैरान होकर माया को देख रही होती है, मतलब जैसे उस पर चढ़ाई करी होती है। तो आलिया को तो बहुत सुकून सा मेरा होता है। तो ये कह के माया वहाँ से चल जाती है। तो आलिया इतना हंसती है, कहती यार जब तुम ऐसे मेरे पे चढ़ाई करती हो ना कसम से बहुत सुकून मिलता है, बहुत ही ज़्यादा अपनापन फील होता है।
ऐसे कह के ना हंस रही होती है। तो उसी तरफ मैं गुस्से में जा रही होती और कहती यार एक तो मुझे समझ नहीं आता पता नहीं इस लड़की को मेरे कपड़ों से क्या प्रॉब्लम है, हर टाइम मेरे कपड़ों के पीछे पड़ी रहती है। ऐसे सोच के गुस्से में जा रही थी, कहती और किसके बारे में इतना सोच रही थी जो उसे इतनी हंसी चढ़ी हुई थी। मेरे सामने तो इसकी बत्ती सी मतलब पता नहीं इसको क्या हो जाता है, इसके मुँह पर 12 बज जाती है और पता नहीं ऐसा कौन है जिसके ख्वाबों में एक खोई हुई होती है। मतलब ऐसे ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी और गुस्सा कर रहे थे। तो फिर कहते मुझे क्या जो मर्जी हो मेरी बला से जाए पहाड़ में, ऐसे कह रही होती है। तो फिर पीछे से आवाज़ आती है कि माया गीज़र बंद कर दो पानी गर्म हो गया अब। तो फिर वो गीज़र बंद करने जाती है तो फिर उसे याद आता है कि मतलब जब पापा ने गीज़र चलाने का कहा था तो मतलब मैंने उसे किस की थी और दोनों कितने क्लोज थे और कितनी अच्छी फीलिंग्स थी वो। तो फिर वैसे ही सोच में पड़ जाती है और हंस रही होती है। तो फिर ऐसे ही अचानक से उसको झटका सा लगता है, कहती है मैं क्या सोच रही हूँ यार क्या हो गया यार तुझे, क्या बकवास सोच रही है माया। तो ऐसे ही रहने लग जाती है। तो इतनी देर में माया का फ़ोन बजता है, फ़ोन उठाती है तो अभी का फ़ोन होता है। तो कहती हेलो आदि कैसी हो तुम, कैसे हो तुम, ठीक हो। तो कहती आती तुम्हें खैर है, तुम तो मुझे हर टाइम अभी अभी बुलाती थी, आज आती क्यों बुला रही हो। तो कहती हाँ सॉरी अभी कैसे हो तुम, कहाँ गायब हो आजकल। तो अक्सर कहता मैं कहाँ गायब हूँ मैडम साहब, ये बताओ तुम कहाँ गायब हो, सही तुम हैदराबाद गई हो, तुम मुझे भूल ही गई हो जैसे मैं तुम्हारा कभी कुछ था ही नहीं, हम दोनों तो एक दूसरे को जानते ही नहीं हो, मतलब इतने स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव करने लगे हो तुम, ना कभी मैसेज करती हो ना कभी कॉल करती हो, भूल गई हो क्या मुझे। तो मैं कहती सांस तो ले लो, क्या हो गया यार फ़ोन उठाते ही शुरू हो गए, क्या मैं फ़ोन रख दूँ, अगर तुमने मुझे पैसे गुस्सा करना है मैं फ़ोन रख देती हूँ। वैसे भी आजकल पता नहीं सबको क्या हो गया यार, कभी मुझ पर चढ़ाई करी जा रहा है। तो अभी कहते हैं क्या हुआ, किसने कुछ कहा क्या तुम्हें, किसने डांटा बताओ मुझे उसकी, तो मैं क्लास लूँगा। तो कहते फ़िलहाल तो तुम ज़रा अपनी क्लास लो ना, क्योंकि अभी अभी तुम ही मुझे डांट रहे थे। अभी कहते हैं हाँ तो मैं चाहे तुम्हें डांटूँ चाहे मारूँ मेरा हक है तुम पर, कोई और कैसे तुम्हें डांट के मार सकता है। तो मैं कहती हेलो हेलो ब्रेक लगाओ, क्या हक कौन से हक की बात करी हो, खैर है। तो कहते हाँ मैं वो हाँ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो क्या, बेस्ट फ्रेंड का हक नहीं होता एक दूसरों पे, अगर मुझे कोई मारे या डांटे तो तुम उसको जाके कुछ नहीं कहोगे क्या, मेरा भी हक बनता है इस नाते से मैं तो कुछ कह सकता हूँ, बताओ इतना गुस्सा तुम्हें किसने दिलाया। तो कहते एक ही तो है मुझे गुस्सा दिलाने वाली और कौन दिला सकती है, पता नहीं खुद को क्या समझती है, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, हर टाइम मेरे पीछे पड़ रहे थे जिन्हें ये कपड़े ना पहनो वो कपड़े पहनो ये ना करो वो ना करो, यार मुझे इतना इरीटेट कर रखा है ना कसम से, मेरा तो दिल करता है कि अभी कहते हैं किसने इरीटेट करा है नाम बताओ जरा मुझे, मैं अभी उसको बता दूँ, तुम जरा उसका नाम बताओ नंबर सेंड करो, देखना मैं उसकी क्लास से तुम्हें एक दिन में सीधी हो जाएगी। तो मैं कहती हेलो ये क्या तरीका तुम्हारा बात करने का, कैसे बात कर रहे हो तुम उसके बारे में, खबरदार तुमने एक लफ्ज़ और कहा था उसके बारे में। तो अभी कहते तुम्हें क्या हो गया, अभी तो तुम खुद उसके पीछे पड़ी हुई थी, उसकी क्लास लगाने पर थी और अब मैंने कुछ कहा था तुम्हें लगे। तो आगे से मैं कहती हाँ तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं चाहे उसे मारूँ पीटूँ डांटूँ गाली निकालूँ जो मर्जी करूँ, तुम्हें क्या, खबरदार अगर तुमने आज के बाद उसके बारे में एक लफ्ज़ कहा तो मैं तुम्हें आज जान से मार डालूंगी। तो वे कहते हैं एक सेकेंड कल तक तो मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था ना, तो ये कौन आ गया, कौन है अब तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, जल्दी से मुझे इसका नाम बताओ, कहीं कोई लड़का तो नहीं है। हाँ अच्छा ये कहना मतलब एकदम के लिए चुप हो जाता है शौक हो जाता है। तो अब मैं कहती नहीं वो आलिया आलिया है तुम जानते होगे उसको। तो कहते कौन आ रिया, नहीं मैं तुम जानते, तुमने तो कभी नहीं बताया उसके बारे में। यार वो शफकत अंकल की बेटी, कहते कौन शफकत अंकल, यहाँ मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड बचपन के दोस्त हैं वो उनकी बेटी है, हमारा घर ना साथ साथ है। तो अभी सांस में सांस लेते कहते शुक्र है कोई लड़की है, मैं तो घबरा गया था कि तुम्हारा कोई लड़का तो दोस्त नहीं बन गया। तो मैं कहती हाँ अगर बन भी जाते तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम जब एक लड़की हो तो मेरे दोस्त बन सकते हो तो कोई और क्यों नहीं बन सकता। तो भी कहते मेरी बात कोई और है, मेरे अलावा कोई और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सकता, लड़का लड़कियाँ चाहे तुम 10-20 बना लो उसकी खैर है। तो मैं कहती बस बस ज़्यादा स्पेशल ना समझो तुमको, अगर तुम बन सकते हो तो कोई भी मेरा बेस्ट फ्रेंड बन सकता है, समझ आई तुम्हें, ये कह के फ़ोन बंद कर देती है। तो अभी कहते हैं यार से आजकल क्या हो गया, इतना स्ट्रेंज बिहेव करती है मेरे साथ, कहीं किसी और को लाइक तो नहीं करने लगी। तो अभी कहते नहीं 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 मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर ऐसा होता तो मुझे पता चल जाता, वो मुझे बता देती। तो ऐसे कह के ख़ुद को तसलियाँ दिए जा रहा होता है। तो वहाँ पर हमारा फ़ोन कट करने के बाद ना उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि अभी कितनी हिम्मत कैसे हुई, वो आलिया के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है, तो बहुत गुस्सा होती है।
तो पहले वो आलिया पे गुस्सा होती है, अब वो अभी पे गुस्सा हो रही होती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी आलिया के बारे में ऐसे बात करने की। मतलब मैं उसको जो मर्जी कह सकती हूँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरा उस पर पूरा हक है, बट उसे बर्दाश्त नहीं होता कुछ कोई और उसके बारे में एक लफ्ज़ गलत बोल दे तो। ऐसे कह रही होती है ख़ुद को, मतलब अब खुद पे ही गुस्सा हो रही होती है। फिर फ़ौरन किचन में जाती है और ना मतलब आलिया को इग्नोर करके ना खाना बनाने लग जाती है। जब खाना बन जाता है तो टेबल पे लगाती है और कहती है पापा आज ही खाना बन गया है, तो फिर भी आलिया की तरफ देखती भी नहीं है, कहती आओ खाना खा लो, उसकी तरफ बगैर देखी। तो आलिया परेशान हो जाती है कि मुझे देख क्यों नहीं रही, तो कहती है अम्मा तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, तो कहती मैं कौन होती हूँ तुम्हें इग्नोर करने वाली, तुम तो बहुत वो हो ना मेरा, मैं छोटी सी इंसान कहाँ इतनी बड़ी गुस्ताखी कर सकती हूँ तुम जैसे इतनी बड़ी हस्ती को इग्नोर करने के। तो आलिया कहती तुम मुझे बताओगी क्या हुआ, तो कहती कुछ नहीं हुआ बैठो खाओ यहाँ पे, ऐसे कहती है। तो दूसरी तरफ फिर गुस्से में पापा कहते पापा आज है ना खाना ठंडा हो जाएगा, तो आलिया को गुस्सा आ जाता है, कहते कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो चेयर से उठ के ना ऐसे अमाय का हाथ पकड़ती है, उसको अपनी तरफ खींचती है, मतलब खींचती है ना तो बिल्कुल आलिया के साथ जाके लगती है, और आलिया फिर उस पीछे से ना उसकी कमर में हाथ डाल देती है और कहती बताओ मुझे क्या हुआ है। अमाय कहती क्या बदतमीज़ है छोड़ो मुझे जाना मुझे, तो आलिया कहती जब तुम मुझे नहीं बताओगी मैं तुम्हें नहीं जाना दूँगी, बताओ क्या मसला है गुस्सा क्यों हूँ, तो कहती क्या मतलब मेरा गुस्सा होने का भी हक नहीं है, एक तुम हर टाइम मुझ पर हक जता ही रहती हो, यानी ये कपड़े ना पहनो वो कपड़े पहनो, यहाँ ना जाओ वहाँ ना जाओ, ये ना करो वो ना करो, मतलब मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकती, गुस्सा हूँ तो हूँ, कोई वजह तो नहीं होती है गुस्से की। डॉलिया कहती हर चीज़ के पीछे वजह होती है, और जो जो वजह तुम मुझे बता रही हो ना ये बहुत छोटी सी वजह है, बताओ असल बात क्या है। कहती अभी असल बात तुम्हें पता आज उसने क्या कहा, कहती अभी अब उसने क्या कह दिया, ये कह रहा होगा कि वापस आ जाओ तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ ये वो, नहीं नहीं छोड़ो तुम जाने दो बस मुझे जाने दो। आलिया कहती बताओगी तो नहीं, जब तक बताओगी नहीं तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तो माया मतलब ऐसे खुद को ना छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, भाई आलिया ने उसको पकड़ा हुआ था ना, फिर हाथ भी पकड़ लेती है उसके पीछे से, तो उसको ना शोल्डर पे प्रेस करके पीछे होने की कोशिश करती है, नहीं ऐसे हाथ हिला रही होती है तो माया की मतलब दुख जाता है उसका जख्म। तो आलिया कहती आ, तो मैं कहती ओह सॉरी 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 सॉरी, मैंने जानबूझ के क्या, प्लीज़ बैठो तुम यहाँ पे दिखाओ मुझे कहाँ पे लगी, ऐसे करी होती है। तो आलिया कहती छोड़ो तुम, माया कहती अब तुम्हें क्या हो गया, कहती जब तक तुम मुझे बताओगी ना नहीं ना क्या बात है तुम क्यों गुस्सा हो, मैं तुम्हें नहीं देखने दूंगी कि मुझे कहाँ पे लगी है। तो मैं कहती ये क्या बच्चों वाली जीत है, तुम मुझे दिखाओ कहाँ पे लगी है, कहीं खून तो नहीं लग रहा, बट दिखाओ मुझे। आलिया कहती एक बार मना कर दिया ना पहले बताओ, तो कहती अच्छा ना वो मैं तुम पे गुस्सा थी, अम्बी का फ़ोन आ गया तो मैंने ऐसे कह दिया, तो उसने भी फिर तुम्हें उल्टा सीधा आगे से कह दिया तो मुझे गुस्सा आ गया। तो कहते हैं अच्छा ना अगर उसने उल्टा सीधा कह भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी वो तो मुझे सही से जानता भी नहीं है, तो जो मर्ज़ी कहे मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं कहती तुम्हें फ़र्क पड़े ना पड़े मुझे फ़र्क पड़ता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे बारे में कुछ भी कहने की। तो आलिया कहती उसको यह तुमने ही दिया ना कि मेरे बारे में कुछ भी बोले, तुम्हारी वो बेस्ट फ्रेंड है तो इसलिए उसने बोल दिया होगा। कहते मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो मेरे खिलाफ़ जो मर्ज़ी कहना चाहे उसका पूरा हक है, लेकिन तुम्हारे खिलाफ़ कोई कुछ कहे इतना हक मैंने ना कभी किसी को दिया ना कभी किसी को दूंगी। तो आलिया को बहुत ही मतलब अंदर से फीलिंग्स जाग गई होती हैं कि यार ये वाकई इसको भी मैं बहुत ज़्यादा पसंद हूँ, तो उसके दिल में ये फीलिंग्स आ रही होती हैं। तो अमाया जैसे बिहेव करी होती है ना उसको बड़ा सुकून मिल रहा होता है, कहती अच्छा इतनी फिक्र है मेरी, वाह भाई वाह मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो समझा था मैं तो बस ऐवें ही हूँ तुम्हारे लिए कोई मैटर नहीं करती, वाह तुमने मेरे लिए अभी की क्लास लगा दी, मतलब तुम्हारे बचपन के बेस्ट फ्रेंड की, वाह भाई वाह वाह आलिया तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, ऐसे मतलब खुद को कह रही होती है अमाया के सामने। तो मैं कहती बस बस ज़्यादा हवा में मत टूटो, बता दिया ना मैं क्यों गुस्सा था मुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा था, अब चलो दिखाओ मुझे कहाँ लगी है। तो आलिया कहती मुझे कहाँ लगी है, नहीं मुझे तो नहीं लगी है। अमाया कहती हो अभी तुम चीख रही थी ओ दर्द उर हो रहा है दर्द हो रहा है, वो क्या था। आलिया कहती यार वो तो बस ऐसे ही तुम्हारे मुंह से सच्चाई निकलवाने का एक छोटा सा तरीका था। तो मैं कहती हो तुम कितनी डैश हो, ऐसे कह के ना उसकी ऐसे ना शोल्डर पे ना थप्पड़ मार दिया। आलिया कहती ओ यार, आलिया कहती बस नौटंकी ना करो। तो आलिया कहती यार अब की दफ़ा सच में दर्द हो रहा है, अम्मी इतनी ज़ोर से कौन मारता है,
ऐसे कहने लग जाती है। तो अम्मा कहती हो दिखाओ मुझे, वाकई ज़ोर से लग गया ना। कहती कहाँ लगे बताओ। जैसे ना उसको ना दबाने लग जाती है, तो अली कहती थोड़ा नीचे थोड़ा थोड़ा, हाँ बस यहीं पे, आई मीम बहुत दर्द हो रहा है। सॉरी गाइस फॉर डिस्टर्बेंस, मेरा गला थोड़ा डिस्टर्ब है आजकल। तो फिर अम्मा उसको दबा दिया, अली कहती बस बस हो गया, चलो बैठो खाना खाते हैं। तो इतनी देर में अम्मा आके ना पापा भी आ जाते हैं, वो भी बैठते हैं, कहते हैं चलो मुझे खाना जल्दी से दो, मुझे ना बहुत ज़रूरी काम है, मैंने ना कहीं जाना है। तो ऐसे कह के फिर कहते हैं जल्दी से मुझे खाना परोसो। तो अम्मा फिर उन्हें खाना देती है। तो फिर अंकल कहते हैं कि अली बेटा अब तुम कैसे हो, कहीं दर्द तो नहीं? तो कहते हैं नहीं अंकल कहीं दर्द नहीं है, आप बताएं आप कैसे हैं, सब ठीक है? कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आगे से अली कहती है अंकल आप जल्दी, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी है, कि जान की खैरियत है, कोई मसला वगैरह तो नहीं है? तो अंकल कहते हैं नहीं पता तो है, बस मैं पुलिस वाला हूँ, तो एक केस में उलझा हुआ हूँ, एक ख़तरनाक मुजरिम है, उसी के पीछे लगा हुआ हूँ, बस दुआ करो कि वो जल्दी से गिरफ्त में आ जाए, वरना बहुत लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा। तो आलिया कहती है अंकल आप इतने अच्छे पुलिस वाले हैं, आपसे कहाँ कोई मुजरिम बच सकता है, देखना आप जल्दी उसे पकड़ोगे। तो अंकल कहते हैं हाँ उम्मीद तो है, बहुत जल्दी वो मैं उसे पकड़ लूँगा। तो मैं कहती क्या पापा आप भी अपने पुलिस स्टेशन की बात है ना, यहाँ ना क्या करें, घर को पुलिस स्टेशन ना बनाया करें, इसे एक छोटा सा घर ही रहने दे। तो अंकल हंसने कहते ठीक है बेटा अब नहीं करूँगा, हैप्पी जी। तो फिर मैं कहती आलिया तुम खाओ ना, तुम क्यों बैठे हो, तुम्हें दवाई भी लेनी है अभी। तो आलिया कहती दवाई नहीं 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 मैं दवाई क्यों लूँगी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मुझे तो कहीं दर्द भी नहीं है। तो मैं कहती हो दर्द नहीं, अभी थोड़ी देर पहले आ ऊ अम्मी कर रही थी, वो क्या था? कहती वो तो, नहीं वो दर्द थोड़ा था, वो तो मैं अम्मी को बस याद कर रही थी। क्या अब अम्मी को याद करना भी गुनाह है मेरे से, इतनी दूर बैठी हैं तो याद तो थोड़ा सा मुझे आएगी, तो मैं तो बस याद कर रही थी। तो मैं कहती बस बस ज़्यादा नौटंकी ना करो, चलो जल्दी से खाना फिनिश करो। तो उसको ज़बरदस्ती खाना खिला दिया था। आलिया कहती तुम भी खाओ। तो मैं कहती हाँ मैं भी खा रही हूँ, तुम भी खाओ साथ साथ। तो फिर माया ख़ुद भी खाना खा लेती है और आलिया को भी खिला लेती है। तो माया के पापा जो है वो जल्दी से चले जाते हैं और कहते हैं कि माया बेटा आलिया का ख्याल रखना, ये कह के वहाँ से जल्दी से चले जाते हैं। तो माया कहती पता नहीं पापा को क्या हो गया, आज से पहले तो मतलब कभी इतना जल्दी ऑफिस नहीं गए और ना ही मतलब इतना अजीब बिहेव किया। तो आलिया कहती हाँ वो अंकल ने कहा तो था किसी केस में मसरूफ़ है, तुम छोड़ो। तो माया कहती हाँ, फिर वो आलिया कहती चलो आलिया रूम में चलते हैं। फिर आलिया को ज़बरदस्ती रूम में ले जाती है, आलिया नहीं जा रही होती क्योंकि उसे पता होता है रूम में जाएगी तो उसे मेडिसिन खिलाएगी। तो आलिया बार बार नौटंकी कर रही होती है, कहती रूम में क्यों, नहीं ना रूम में नहीं चलते ना, यहीं पर बैठते हैं ना खुले खुली हवा में, देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा मौसम है, यहीं पर बैठते हैं। माया कहती बस बस ज़्यादा नौटंकी ना करो मेरे सामने, चलो रूम में चलो। ज़बरदस्ती उसको रूम में ले जाती है, वहाँ पे उसको मेडिसिन खिलाने लगती है। तो आलिया नौटंकी कर रही होती है, कभी बेड से नीचे उतर आती है, कभी बेड पे चढ़ जाती है, कभी बेड पे छलांग लगाने लग जाती है। कहती नहीं ना देखो मैं तो अब जंप भी कर रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कोई दर्द भी नहीं है, मैं तो कॉलेज भी जा सकती थी, आज तुमने ऐसे फजूल में छुट्टी कर ली। मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। तो मैं कहती आलिया इससे पहले मुझे गुस्सा आ जाए शराफत से नीचे बैठ जाओ और ये दवाई खा लो। आलिया कहती नहीं ना मुझे नहीं खानी ना यार, ना तुम फिर से जलाद बनी हो, प्लीज़ ना जलाद ना बनो ना, तुम्हें पता तुम स्वीट सी माया कितनी अच्छी लगती हो, मुझे पता है तुम मेरी प्यारी सी दोस्त है ना, तुम मुझे इतनी गंदी सी मेडिसिन निकलाओगी है ना, तुम मुझे नहीं खिलाओगी ना? माया कहती नहीं जी। आलिया कहती हाँ शुक्र है मुझे पता था तुम नहीं खिलाओगी। माया कहती पूरी बात सुना करो। मैंने कहा नहीं जी मैं तुम्हारी कोई क्यूट सी फ्रेंड नहीं हूँ और तुम्हें ये मेडिसिन हर हाल में खानी पड़ेंगी। तो ये कह के आलिया के हाथ की पकड़ के उसको नीचे खींच के बिठाती है और ज़बरदस्ती उसके मुंह में मेडिसिन डालने की कोशिश करती है, बट आलिया नहीं डालने देती उसके मुंह में। तो मैं कहती अच्छा एक बात बताओ मुझे, कहती क्या? मैं कहती तुम ज़्यादा माँ से प्यार करते हो या पापा से? कहती ऑफकोर्स मम्मा पापा दोनों से, कहती नहीं किसी एक से। कहती पापा से कहती कितना ज़्यादा प्यार? कहती बहुत ज़्यादा। कहती बस इतना सा? कहती बहुत ज़्यादा। तो ज़्यादा के लिए मुँह खुलती है ना। तो माया जल्दी से उसके मुंह में मेडिसिन डाल देती है और ऊपर से पानी पिला देती है। तो आलिया को ज़बरदस्ती मेडिसिन अंदर लेके जानी पड़ती है, गले से नीचे उतारनी पड़ती है। कहती माया यू तुम कितनी बड़ी चीट हो, तुम फ्रॉड, तुमने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है, क्या पापा गए कि तुमने मुझे इतनी सारी मेडिसिन खिला दी, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो मैं कहती मैंने कब कहा तुम मुझे माफ़ करो, मैंने तुमसे सॉरी कब मांगी? तो आलिया कहती तुम बहुत बुरी हो। और मैं कहती मुझे पहले से ही पता है मैं बहुत बुरी हूँ, बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आलिया कहती आई हेट यू। मैं कहती आई हेट यू टू। तो आलिया कहती
और कहती मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी, मैं कहती मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। तो ना ऐसे मतलब जो आलिया बोरी होती है वही माया बोरी होती है। तो आलिया बोलती है आई लव यू, अमाया भी कहती आई लव यू। तो आलिया जोर से हंसती है कहती देखा देखा तुमने अभी क्या बोला। कहती मैंने क्या बोला, कहती तुमने अभी आई लव यू बोला। कहती नहीं मैंने कब बोला, मैंने तो नहीं बोला। कहती तुमने बोला, कहती क्या बोला, कहती आई लव यू। कहती ओ देखा अभी तुमने फिर से बोला। आलिया कहती बोला ना तुमने अभी फिर से खुद से तुमने आई लव यू बोला। मैं कहती ये चीटिंग है। कहती अच्छा बेटा ये चीटिंग है ना, जो अपनी 2 मिनट पहले तुमने मेरे साथ किया वो चीटिंग थी। मैं कहती ओके। आलिया कहती क्या ओके। मैं कहती जो भी तुम कहो वो ओके, अब ठीक चलो शाबाश लेट जाओ यहाँ पे। आलिया कहती फिर से लेट जाओ और अभी तो मैं इस बैग से उठी थी अब फिर लेट जाओ, इससे तो अच्छा तुम सीधे मुझे जाके कब्र में लिटा दो। तो मैं कहती आलिया की बच्ची तुम्हें कितनी बार बोला है तुम ये मरने मारने की बातें नहीं करोगी, तुम फिर उन्हीं बातों पे आ गई, इतना शौक है ना तो इधर आओगे तुम्हारा गला दबा के एक बार में तुम्हें मार देती हूँ। ऐसे भी हर बात में तुम्हें मारने की पड़ी होती है, मैं मर जाऊँगी मैं ये मारने नहीं मैं तुम्हें मार ही देती हूँ। तो आलिया कहती नहीं मुझे पता है तुम मेरा गला नहीं दबाओगी। मैं कहती अच्छा। आलिया कहती हाँ हाँ मुझे पता है ना तुम मेरा गला नहीं दबाओगी। मैं कहती अच्छा तो आजमा लेते हैं। तो ऐसे क्या करूँ आलिया का गला पकड़ लेती है। अली कहती नहीं 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 तब तुमने मेरा गला पकड़ा दबाना नहीं दबाना नहीं दबाना नहीं मैं मर जाऊँगी। तो ऐसे हमारा ना ऐसे हल्का हल्का उसका गला दबाने लग जाती है। तो अली कहती नहीं 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 देखो मैं मर जाऊँगी मेरा गला मत दबाओ छोड़ दो। तो ऐसे कह कर उसका हाथ छुड़वा लेती है गले से हटा लेती है। तो मैं कहती अब पता चला मैं तुम्हारा गला दबा भी सकती हूँ। अली कहती उफ यार तुम वाकई बहुत ख़तरनाक हो मेरी माँ, ये देखो हाथ जोड़ी हूँ बस बहुत हो गया, अब से मैं मजाक में भी नहीं मरने मारने की बातें करूँगी। तो मैं कहती तुम ऐसे ही सुधरोगी मुझे पता था। तो फिर ऐसे दोनों बस मैं एक दूसरे को देख के हंसने लग जाती हैं। गाइस इसकी नेक्स्ट क्या होता है वो आपको पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में, तो इसको जाके फ़ौरन से नेक्स्ट पार्ट भी देख लीजिएगा जब अपलोड होगा। तो यार इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, सब जो है शेयर कर दें। या फिर आपकी लाइफ में भी कोई इंपॉर्टेंट है जैसे आलिया की लाइफ में अमाया इंपॉर्टेंट है तो उसके साथ यार ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।